तमन्ना, आज तुम्हारा स्कूल है क्या? हाँ, तो जाना है ना, तो वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई करना तमन्ना। हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो और मज़े में हो। देखो गाइस, हम तो बिल्कुल मज़े में नहीं है, क्योंकि अभी तमन्ना और सानिया गई है स्कूल पे, और सुमन के पैर में जो है ना गाइस, बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है, इसीलिए हमें अभी जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल पे। सबसे पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट और जाएंगे फिर हॉस्पिटल को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोल के। देखो गाइस, ये है हमारी बिल्ली की फैमिली, लेकिन यहाँ पे बिल्ला नहीं है। ये देखो, ये है मेरी खाने की थाली, तो चलो फटाक से खाना खाते हैं। को सुमन जी यहाँ पे बना रही है उपमा, यहाँ पे तैयार हो चुका है गरम गरम उपमा। सुमन जी, अभी आपको चलना है हॉस्पिटल पे। हाँ जी। कभी जाएंगे? नाश्ता वगैरह कर, नाश्ता करके जाएंगे। तो फटाक से तुम नाश्ता वगैरह खा लो, फिर जाएंगे हॉस्पिटल पे, क्योंकि अभी हमको जल्दी जाना पड़ेगा। वहाँ पे नंबर कब आएगा कुछ पता नहीं। हाँ। अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 12 के नज़दीक टाइम होने आ चुका है। तो तुम फटाक फटाक से नाश्ता कर लो, फिर चलेंगे हॉस्पिटल पे। तुम नाश्ता नहीं करेंगे? जस्ट मैंने खाना खा लिया। हाँ। आप भी नाश्ता कर लो और फिर चलेंगे हॉस्पिटल पे। अच्छा। फटाक फटाक से नाश्ता कर लो, अभी गर्म है अभी खा लो बस। थोड़ा ठंडा होने दे वो। नहीं, गरम गरम ही खाओ। ठंडा मतलब उतना ठंडा भी नहीं, गरम मतलब उतना गरम भी नहीं, क्योंकि जितना गरम रहेगा मुंह में उतना टेस्ट रहेगा। फटाक फटाक से खा लो और फिर चलेंगे हॉस्पिटल पे। अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटल में चेकअप हो गया। इंजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, फिर भी सुमन ने डरते डरते इंजेक्शन को करवा ही लिया। अभी गोलियां भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, घर पे जाके भी गोलियां खेलेंगे। ये मेरी बहन और ये है मेरी बहन की बेटी, और इसको तो सब लोग जानते हो, ये है सुमन। अभी हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह सब कुछ हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर पे। किसके घर पे ये तो मुझे पता नहीं, हमारे बहन के घर पे जाएंगे या हमारे घर पे जाएंगे, ये आगे जाके सुमन डिसाइड करेगी। तो अभी तो हम फिलहाल में जा रहे हैं। तो ये देखो, हम लोग आए हैं हमारे बहन के घर पे। यहाँ पे देखो, हमारी बहन ने बनाया है कुछ मीठा वाला रेसिपी, तो ये अभी हम अपने घर पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है फिश पॉट। ये फिश पॉट जो है ना दोस्तों, ये हमारे घर पे भी है, लेकिन इतना साफ नहीं है, वो तो गंदा हो चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। अभी जब पानी आएगा उसको हम धोएंगे और उसको अच्छे से साफ कर देंगे। इतने सुंदर फिश है। यह है मेरे भैया के बेटी की बेटी, यानी यह है मेरी नवासी। मैं तो नाना बन गया। अम्मू, मुझे तो तुमने नाना ही बना दिया। अभी नानी कहाँ से लाऊं? यहाँ पे है नानी। आपको ये लगते है क्या नानी बोल के? दो फुट की नानी। ये जो सुमन है ना, इसका हाइट देखो, इसका हाइट है कम से कम 3 फुट या 3.5 फुट बस, फिर भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखो, जैसे हम अपने बहन के घर से आए, तो यहाँ पे तमन्ना भी आ गई साल से। तमन्ना, कैसा रहा स्कूल में दिन आपका? क्या हुआ तमन्ना, क्या हुआ? लगता है तमन्ना गुस्से में है। बैठो, फटाक फटाक से बैठो। लगता है सुमन जी गए थे स्कूल को, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सुमन का हाइट भी उतना ही है। लगता है वो भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। चढ़ो चढ़ो सुमन, बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। तमन्ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तमन्ना कुछ तो बोलो। तमन्ना का गुस्सा देखो तमन्ना का। तमन्ना को जाने क्या हुआ है पता नहीं मुझे तो, लेकिन तमन्ना बहुत गुस्से में है।
तमन्ना कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तमन्ना बहुत गुस्से पे है अभी। तमन्ना क्यों गुस्से में? मुझे तो पता नहीं चल रहा है। तमन्ना क्या हुआ है, स्कूल में मैडम डांटे क्या आपको? मैडम नहीं, वहाँ से पापा मैं अब जा रहे हूँ मदर से पढ़ने के लिए। हाँ तमन्ना जाके आओ, जाके आओ। तमन्ना बहुत शानी बच्ची है, अच्छे से वहाँ पढ़ाई करना। तमन्ना मैं वहाँ पर ट्यूशन नहीं जा रही हूँ। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जा रहे हो मदरसे पे, मदरसे में आपको आपको मैं क्या बोला, मदरसे में अच्छे से पढ़ना आप बस। ठीक है जाके आओ और अच्छे से पढ़ना तमन्ना। हाँ। किसी के साथ झगड़ा वगैरह मत करना। जैसे ही हम घर पे आए तमन्ना चले गए मदरसे को, और यहाँ पे सुमन कर रही है काम। सुमन जी आपका काम बहुत है ना अभी? हाँ जी। क्या क्या काम करना है अभी आपको? बर्तन धोना पड़ेगा। सबसे पहले आपको धोना पड़ेगा बर्तन, उसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा झाड़ू, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, पकवान बनाना शुरू करेंगे। हाँ। आज तो आपका बहुत सारा काम है, मतलब आज ही नहीं आपका हर रोज काम रहता है ऐसा, हर रोज आप इतना काम करते ही करते हो। अभी जो डॉक्टर ने दिया है ना गोली, वो गोली लेके खेलना नहीं है, उसको अच्छे से लेना है। ठीक है ना सुमन जी? गोली से नहीं खेलती हूँ, और रात को खाना वगैरह का करो, वो गोली लेकर थोड़ा रेस्ट कर, थोड़ा रेस्ट करना है और आराम करना है बस। तब तक आप ठीक तरह से और अच्छे से आराम नहीं हो जाते, तब तक आपको रेस्ट करना है, काम थोड़ा सा करना है बस। हाँ। क्योंकि काम तो करना ही है, क्योंकि अभी तुम्हारे सिवा घर में कोई दूसरा नहीं है काम करने वाला। हाँ। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे से और आराम से काम करना, और थोड़ा सा ही काम करना बस। अच्छा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, टेक केयर, बाय बाय।